हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेली क्विज फॉर द डेट ऑफ 3rd of March 2020। हम कोशिश करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें जो कि करंट और स्टैटिक अफेयर्स कैटेगरी के होंगे। ये आपको काफी हेल्प करेंगे अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने कोई पर्सनल इंटरव्यू फेस करना है, या फिर अगर आप कोई ग्रुप डिस्कशन के लिए जा रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which state has become the first NDA ruled state to pass a resolution against the National Register of Citizens? तो यहाँ से पूछा रहा है कि आपको उस स्टेट का नाम बताना है जो कि NDA ruled state है। जैसे आपको पता है हमारी कंट्री में दो मेजर पॉलिटिकल फ्रंट्स हैं, NDA और UPA। तो NDA की आप कह सकते हो सबसे बड़ी पार्टी है BJP और UPA की सबसे बड़ी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहां पर बात की जा रही है NDA रूल्ड स्टेट्स की। आपको बताना है वो कौन सी पहली NDA रूल्ड स्टेट है जिन्होंने एक रेजोल्यूशन निकाला अगेंस्ट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस NRC। क्या इस स्टेट का नाम है, असम, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर बिहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार स्टेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया अगेंस्ट NRC। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंद्रधनुष जिसका नाम है इंद्रधनुष 5 2020 इज बींग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम इन विच स्टेट? तो सबसे पहले तो आपको ये पता चाहिए असल में इंद्रधनुष है क्या। ये एक एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इस बार ये एक्सरसाइज हो रही है इंडिया में। आपसे पूछा रहा है कि असल में एक्सरसाइज इंडिया के कौन सी स्टेट में हो रही है, क्या ये हो रही है हिमाचल प्रदेश में, केरला में, असम में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरफोर्स स्टेशन है हिंडन एयरफोर्स बेस, असल में वहां इस एक्सरसाइज को रखा गया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, Which state has become the first state in the country to launch unified vehicle registration and the second one to launch a unified driving license after Uttar Pradesh? आपसे यहाँ पर पूछा रहा है कि वो कौन सी पहली स्टेट है जिसने एक यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन को लॉन्च किया है और वो सेकेंड स्टेट है जिसने एक यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के बाद। तो क्या इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो गलत ऑप्शन हो गया, मध्य प्रदेश या फिर केरला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं उनके चीफ मिनिस्टर मिस्टर कमलनाथ की यहाँ पर पिक्चर। नेक्स्ट फोर्थ न्यूज, हाउ मेनी सीट्स आर गोइंग टू पोल्स इन द राज्यसभा इलेक्शन 2020? तो कुछ ही टाइम में राज्यसभा की कुछ सीट्स के लिए इलेक्शन है, आपको बताना है टोटल कितनी सीट्स के लिए। तो राज्यसभा में असल में ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी सीट्स के लिए इलेक्शन हो जैसा कि लोकसभा में होता है। राज्यसभा में कुछ सीट्स के लिए इलेक्शन आते हैं और ये भी इलेक्शन डायरेक्टली हम लोग इसके लिए वोट नहीं करते। तो आपको बताना है कितनी सीट्स के लिए इलेक्शन है कुछ दिनों में राज्यसभा की, क्या 55 सीट्स के लिए है, 51, 50 या फिर 45? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असल में 55 सीट्स के लिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग द 43rd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल श्रीलंकन गवर्नमेंट विड्रॉल फ्रॉम द UNHRC रेजोल्यूशन ऑन वॉर क्राइम्स, द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNHRC लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो पहले तो आपको यहाँ एक स्टेटमेंट दी जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 43rd सेशन हुआ जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का, वहां पर श्रीलंका की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल लिया फ्रॉम UNHRC रेजोल्यूशन ऑन वॉर क्राइम्स। तो अब आपसे यहां पर पूछा रहा है कि असल में UNHRC के हेडक्वार्टर्स आपको कौन सी कंट्री में मिलेंगे, क्या ये मिलेंगे वेना शहर ऑस्ट्रिया में, शंघाई शहर चाइना में, ब्रसल शहर बेल्जियम में या फिर जेनेवा शहर स्विट्जरलैंड में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, नेम दी पब्लिक सेक्टर कंपनी विच हैज साइंड एन MOU विद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू सेट अप एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन एट 6 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। आपसे यहां पूछा रहा है सरकारी कंपनी का नाम, पब्लिक सेक्टर कंपनी का नाम जिसने एक MOU मतलब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक डील, एक पैक्ट साइन किया है किसके साथ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के साथ। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस MOU में असल में हुआ क्या, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा 6 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज में। आपको बताना है कि असल में उस पब्लिक सेक्टर कंपनी का नाम क्या है, क्या उसका नाम है BCPL ब्रह्मपुत्र कैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, NTPC असल में वो ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर इन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेगी। अगला क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 3 MOUs ऑन कॉम्बेटिंग टिम्बर ट्रैफिकिंग, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ एंड इन द फील्ड ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द एशियन कंट्री? तो यहां से पूछा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 MOU को अप्रूव किया है जिसमें से पहला है टिम्बर ट्रैफिकिंग को रोकना, दूसरा है टाइगर्स और बाकी वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करना और तीसरा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में।
तो इन तीन एमओयूज को इंडिया ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ साइन किया? क्या ये हमने साइन किया चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, या फिर थाईलैंड के साथ? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, असल में इनको हमने साइन किया है म्यांमार के साथ। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज जोग फॉल्स प्रेजेंट? आपको पता है जोग फॉल्स इंडिया के बहुत ही फेमस फॉल्स है, कहां पर आपको मिलेंगे? क्या ये मिलेंगे कर्नाटका में, हैदराबाद में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका में आपको ये मिलेंगे जोग फॉल्स। असल में यहाँ पर हैदराबाद नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर या तो तेलंगाना लिख सकते थे या फिर लिख सकते थे आंध्र प्रदेश, तो फिर भी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, अमरनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको पता है, जो इंडिया में एक हिंदू धर्म में काफी सारे जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है अमरनाथ टेम्पल। आपको बताना है असल में ये कहां पर मिलेगा आपको, क्या ये मिलेगा सिक्किम में, जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में, या फिर केरला में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो स्टैटिक अवेयर का क्वेश्चन है, कराकट्टम इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? आपको बताना है कराकट्टम किस स्टेट का एक लोकल डांस है, क्या ये आपको मिलेगा उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, असल में तमिलनाडु का एक ट्रेडिशनल डांस है जिसका नाम है कराकट्टम। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव थी, आपने काफी कुछ सीखा इस वीडियो में। हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि करंट और स्टैटिक अफेयर्स कैटेगरी के थे। आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको कोई पर्सनल इंटरव्यू देना है, या फिर आप कोई ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं, आपकी काफी हेल्प करेगा इन सारे सेक्टर्स में। फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।